गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस एक क्रॉनिक लीवर डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि एक तांबे के सामान या कॉपर के जमाव के कारण लीवर में सिरोसिस होती है। यह मुख्यतः 1 to 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको उनमें और जेनेटिक प्रेडिक्शन के कारण ये होती है। इट इज ए क्रोनिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय सिरोसिस ऑफ द लीवर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन द लीवर, यानी कॉपर का जमा होना लीवर के ऊपर। इट इज प्राइमरी इफेक्ट चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज एंड हैज ए जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, यानी लीवर के ऊपर कॉपर के तांबे के जमाव के कारण लीवर का सिरोसिस होना, जो कि ICC या चाइल्डहुड सिरोसिस कहलाता है। डेफिनेशंस ICC इन एंड द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टर बाय फीवर एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हेपेटोस्पिनोमेगेली, यानी जो सिरोसिस चाइल्डहुड है कंडीशन है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो फीवर एब्डोमिनल डिस्टेंशन और हेपेटोस्पिनोमेगेली के कारण होता है। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मार्क्ड इरिटेबिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड इरेगुलर लो ग्रेड फीवर, हेपेटोस्पिनोमेगेली विद हेपेटिक फेलियर हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है एंड जॉन्डिस हो सकता है। देन जिसमें नॉर्मल लीवर्स हैं और लीवर ऑफ सिरोसिस, जैसे कि एक कॉपर के समान जो परत है जो लीवर सिरोसिस में आपको दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं कॉपर लीवर सिरोसिस। एपिडमोलॉजी ऑफ इंसिडेंट्स प्रिविलेंट ऑल ओवर इंडिया इन सम पार्टिकुलर कम्युनिटी, जिसमें साउथ इंडियन में है ब्राह्मण्स, सेंट्रल इंडिया में बनियाज है, नॉर्थ इंडिया में बनियाज एंड जाट्स है, नॉर्थ इंडियन हिल्स में राजपूत। मेल चिल्ड्रन आर 4 टाइम्स मोर सफर्ड देन फीमेल्स, जो रेशियो रहेगा 4 to 1। फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन आर रिच बिटवीन द एजेस 6 months एंड 4 ईयर्स। फैमिली प्रेडिस्पोजिशन ICC सिबलिंग्स एंड ट्विन्स आर इफेक्टेड, यानी फैमिली में अगर जेनेटिक जैसे प्रेडिस्पोजिशन है तो ये ICC एंड सिबलिंग्स है या ट्विन्स है तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। लो मिडिल क्लास वेजिटेरियन फैमिली रूरल एरियाज में प्रेडिस्पोजिशन विद डिसऑर्डर लाइक जैसे पेप्टिक अल्सर है, अस्थमा है, माइग्रेन्स है, नाउ डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ICC। यूज ऑफ कॉपर ब्रास वेसल ऑफ कुकिंग, यानी कॉपर के जो बर्तनों में खाना बना के खाते हैं उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। जो इटियोलॉजी द एक्सेप्ट इटियोलॉजी नाउ इज प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। टॉक्सिक कॉपर इंटॉक्सिकेशन के कारण क्या क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन और किन इन द ऑफ लीवर, सप्लीमेंट्री माइल्ड फीड बिफोर 3 months, यूज ऑफ कॉपर एंड कॉपर ऑली वेसल्स फॉर कुकिंग, इन कॉपर के जो बर्तनों में खाना बनाना, सप्लीमेंट मिल्क फीड जो है 3 months के लिए, या प्रेशर ऑफ कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है, इनके कारण से ये टॉक्सिक कॉपर जिसको बोलते हैं इंटॉक्सिन कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन में इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड्स में, इम्यूनोजी फैक्टर कौन कौन से होते हैं, हाई लेवल्स ऑफ सर्कुलेशन, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, इंसल्ट हेपेटोसाइट्स कॉज इम्यून मेडिकेट इंजरी ऑफ लीवर। अब न्यूट्रिशन फैक्टर कौन कौन से, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग यंग चाइल्ड, हेपेटोटॉक्सिक एजेंट्स जैसे एप्लाटॉक्सिन जिसको बोलते हैं, एस्पिरेगलस फ्लेव्स दैट ग्रो ऑफ ग्राउंड नट्स मैग्स एंड राइस, फैमिली हिस्ट्री में हॉलमार्क ICC एंड इंक्रीज प्रिवेलेंस हेप्टिक अल्सर, अस्थमा, डायबिटीज एंड माइग्रेन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनबॉर्न एरर ऑफ ट्रिप्टोफैन, मेटाबॉलिक एमिनोस्टूरिया, एमिनोस्पिडीमिया, डिस्टर्ब लेक्चर, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम मेटाबॉलिज्म। सुपर एडेड फैक्टर ऑफ जनरली प्रॉन चिल्ड्रंस, कौन कौन से जो सुपर एडेड फैक्टर जो है जो जेनेटिकली प्रोन चिल्ड्रन होते हैं, वायरल, टॉक्सिक एंड ऑटोइम्यून। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ICC इटियोलॉजी फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट मार्क डैमेज ऑफ द हेपेटोसाइट्स लीडिंग टू कंप्लीट डिसऑर्गनाइजेशन ऑफ लीवर आर्किटेक्चर, यानी इटियोलॉजी फैक्टर्स में मार्क किए गए डैमेज हो जाता है हेपेटोसाइट्स लीडिंग टू कंप्लीट डिसऑर्गनाइजेशन ऑफ द लीवर आर्किटेक्चर। मैग चेंज इन साइज कलर जैसे कलर चेंज हो गया, ग्रे एंड फ्रैंक, फॉर्मेशन मैक्रो एंड माइक्रो नोडल्स ऑफ सरफेस ऑफ लीवर, जो लीवर की सरफेस है उसमें माइक्रो नोडल्स इन प्रेजेंट हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ डीजनरेशन चेंजेस इन लीवर लीड्स डीजनरेशन नेक्रोसिस फाइब्रोसिस ऑफ हेपेटिक लोबल्स लीडिंग टू ऑफ सिरोसिस, जो कि लीवर एब्सेंस ऑफ रिग्रेशन
चेंजेस, यानी रिग्रेशन चेंजेस जो का एब्सेंस होना जो लीड्स करते हैं डिजेनरेशन, नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस, जो क्या करते हैं कंडीशन जो लीड करते हैं लीवर ऑफ सिरोसिस को, सिरोसिस को। कुफलर सेल्स शो द माइल्ड डिग्री ऑफ प्रोलिफरेशन, जो कुफलर सेल्स हैं माइल्ड डिग्री पे उनका प्रोलिफरेशन होता है। द नेक्रोसिस हेपेटोसाइट्स विद ग्लोइंग मलोरी हाइलिंग पार्टिकुलर इंट्रालोबुलर फाइब्रोस एंड इन्फ्लामेटरी सेल एंड कोलेस्टिसिस। अब एक क्लिनिक फीचर्स, इंसिडिसिस आर ऑनसेट, इंसिडिसिस ऑनसेट दो प्रकार से होती है, एक है प्रेसिपिटेट सिम्टम, दूसरा है सिरोटिक सिम्टम और दूसरा है एक्यूट ऑनसेट। तो ये क्लिनिक फीचर दो प्रकार से होते हैं, पहले लेते हैं हम प्रेसिपिटेट सिम्टम। इंसिडिस में पहला है जो इंसिडिसिस हो गया अचानक से, इनएबिलिटी, डिस्टर्ब एपेटाइट, चेक की पेस्ट स्टूल, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ऑफ्टन स्लाइट इरेगुलर फीवर। अब है सिरोटिक सिम्टम, सिरोटिक सिस्टम में तीन स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले स्टेज में स्लाइट फीवर आएगा, लीवर इलाज 3-5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एड्स बिकम शार्प गिविंग ऑफ लिपी बॉर्डर अपीयरेंस, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस जॉन्डिस, ओवर ग्रोथ, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ग्ले कलर्ड स्टूल्स, ग्रोथ फेलियर। सेकेंड स्टेज में डिफ्यूज हेपेटोमेगली, स्पिनोमेगली, एसाइटिस हो गया, इसोफेजियल वेरिकल्स हो गया, हीमोप्टेसिस हो गया, एनीमिया हो गया, मसल वीकनेस हो गया, लेथार्जी, जीआई ब्लीडिंग। स्टेज थर्ड में क्या होगा, इट इज अ टर्मिनल स्टेज ऑफ डिजीज, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, डिस्निया, साइनोसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन, एविडेंस ऑफ हेपेटोसेल्यूलर फेलियर इन द फॉर्म ऑफ पाल्मर एरिथमा एंड स्पाइडर नेवस अपीयरेंस ऑफ द अपर टर्सो। नेक्स्ट द पार्टिकुलर ग्रोथ ऑफ प्रेजेंट पेशेंट विद इंडिपेंडेंट लीवर फेलियर, एनलार्जमेंट हार्ड स्प्लीन हो जाता है, टर्मिनली देर इज जॉन्डिस, हेपेटिक कोमा एसोसिएट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, द चाइल्ड मे बी डाइड स्टेज आदर फ्रॉम हेपेटिक फेलियर इन करंट इन्फेक्शन, जैसे कि इस कंडीशन में दिखाया गया है। एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट डिजीज, सिम्पटम एसिम्प्टोमेटिक फॉर वेरिएबल पीरियड, देन सॉ द मैनिफेस्टेशन इनसाइड, कुछ समय के लिए सिम्प्टोमेटिक, कुछ सिम्टम नहीं होते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से फीवर आना, जॉन्डिस, क्ले कलर्ड स्टूल्स, हेमेटो स्पिनोगली, डेथ ड्यू टू हेपेटिक कोमा। अब डायग्नोसिस रिलेशन क्या करते हैं, इसमें डायग्नोसिस में पहले लेते हैं परफॉर्म हिट रिस्क, हमने सारी इसकी कलेक्शन की, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया, लीवर कैन बी पल्पेट किया, वेरी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इन बॉर्डर्स फार हेपेटिक ब्लड, एस्कल्टेशन भी किया, इन केस असिस्टेड अगर कोई असेटिव वाली कंडीशन है तो फ्लूड थ्रिल टेस्ट कैन बी डन, उसमें फ्लूड निकाल के हमने उसको टेस्ट के लिए दे दिया। लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, अगर इंक्रीज है ALT यानी एलानिन ट्रांसमिनेज, या इंक्रीज GGT है यानी ग्लूटामिन ट्रांसमिनेज अगर ज़्यादा है तो वह इस कंडीशन को इंडिकेट करती है। प्रोथ्रोम्बिन इन PT प्रोलॉन्ग्ड है, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम शुड भी असेस करते हैं, इसमें ज़रूरी है क्योंकि इस दौरान क्या है जो क्लॉटिंग और BT एंड CT जो है इंक्रीज हो जाता है। लीवर बायोप्सी लेते हैं, अगर स्क्लेरोसिस ऑफ लीवर, कुप्रेशर, इट इज इन्वॉल्व टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ द कॉपर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन डी पेनिसिलिन। अब ये मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट क्या क्या होता है, पहला है डायग्नोसिस स्टेज टू ट्रीटेड, हम कंडीशन टू डायग्नोस्ट स्टेज के हिसाब चलते हैं। इनिशियल स्टेज क्या, शुरुआत में क्या करते हैं, डाइट, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स में इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए या इन्फेक्शन के लिए, कौन सी एंटीबायोटिक। टर्मिनल स्टेज, इफ द पेशेंट हैज एंटर द प्रीकोमा और कोमा स्टेज, अगर पेशेंट कोमा स्टेज में एंटर हो गया या प्रीकोमा वाली स्टेज में, तो प्रोटीन इंटेक खुद भी रिड्यूस करेंगे। एडमिशन नियोमाइसिन केवेज एंड 20% IV ग्लूज ड्रिप आर हेल्प। नियोमाइसिन क्या करता है, जो GI ट्रैक्ट में फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया यानी उनको, जो इनका लेवल है निमोनिया का, इनकी लेवल होता है, इसके कारण से ये एंटीबायोटिक दी जाती है। ऑक्सीजन एडमिशन करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, सर्जिकल मैनेजमेंट, नॉन स्पेसिफिक सर्जिकल करेक्शन, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, सस्केटेकन ट्यूब, पोर्टल हाइपोटेंशन एंड हेमोटेसिस कंडीशन। एंड पोर्टल एनास्टोमासिस, पोर्टल हाइपोटेंशन एंड हाइपरसिमिज्म, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन यानी जिसके कारण से क्या होता है, हेमरेज कंडीशन डेवलप होती है। सब रिगन ट्यूब मे बी हेल्प कंट्रोल, जो
सन स्टैकन ट्यूब में बी कंट्रोल ऑफ द इसोफेगल ब्लीडिंग, जो सन सेंट्रल ट्यूब क्या करती है पोर्टल हाइपरटेंशन और हेमोस्टेसिस के लिए जिम्मेदार होती है, उसमें क्या करता है ये जो सन स्टैकन ट्यूब है वे हेल्प करती है इसोफेगल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में। एंड प्रोटोकेवल एनास्टोमोसिस में बी डन रिलीव ऑफ पोर्टल हाइपोटेंशन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरनिज्म, यानी जो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है वो पोर्टल हाइपरटेंशन और हाइपरनिज्म को कम करने में, जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है उसको कम करने में कार्य करते हैं। वे नर्सिंग मैनेजमेंट हाइपरथर्मिया कंडीशन डेवलप होती है लीड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ लीवर इनएक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेट टू प्रेशर ऑन द डायफ्राम सेकेंडरी ऑफ एसेसिड इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेट टू द एनोरेक्सिया डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रिलेट टू एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन पेरिनेटल एंजाइटी रिलेट टू द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज कंडीशंस प्रोवाइड्स सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एडिक्यूट रेस्ट सेमी पोलर पोजिशन दी जाती है क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में आई वी फूड्स पर ऑर्डर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट प्रोटीन डिज फूड मैसिव डोज विटामिन बी सिक्स एसेप्टिक प्रोकेशन इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन प्रीनेटल एडुकेशन डिजीज एडुकेशन मैनेजमेंट अवॉइड फूड रिच कॉपर ट्राई कट्स बॉक्स चॉकलेट्स लीवर ब्रिस्ट फीडिंग ऑफ वीनिंग ऑफ एटमोस्फेरिक मंथ मिल्क शुड बी नॉट बॉइल्ड स्टोर्ड इन कॉपर एलो पोर्ट्स रिड्यूस यूज ऑफ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स यूज एल्यूमिनियम एंड स्टील इन क्रिस्टल फूड रिच ट्रिप्टोफैन शुड बी रिड्यूस मिल्क एग मीट नट्स एंड फिश चीज प्रोवाइड मोर विटामिन बी सिक्स फूड सच पोटैटो बनाना स्पाइनेज सोयाबीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स विटामिन बी सिक्स हेल्प द कन्वर्ट ट्रिप्टोफैन टू नियासिन सोर्स ऑफ डाइटरी कॉपर एंड एक्शन प्लान ऑफ फेवरेट ब्रास्ट कॉपर वेसल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ द बॉइलिंग मिल्क यूज द एल्यूमिनियम एंड स्टील टिन कोटिंग ऑफ ब्रास कॉपर एंड वेस्ट पॉट्स स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर चेंज द ओवर अर्थवेट ऑफ द स्टील एल्यूमिनियम फूड कुक्ड एंड स्टोर्ड ब्रास कॉपर मेंशन इनकरेज यूज ऑफ एल्यूमिन एंड स्टील इंट्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिन मिल्क बिफोर टू टू थ्री मंथ ऑफ एज प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग नेक्स्ट कॉपर कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर अंडर द एक्शन प्लान डिमोराइज वाटर फूड रिच द कॉपर कंटेंट लीवर फूड चॉकलेट अवॉइड देम मिनिमाइज देयर कॉन्स्टी कंजप्शंस थैंक यू एवरीवन। इसके साथ जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है इंडियन चाइल्डहुड प्रोसेस।